नमस्ते किसान भाइयों, आज बात करेंगे कैलरीज एक्स्ट्रा के बारे में, जो सिजेंटा कंपनी का खरपतवार नाशक है जिसका इस्तेमाल किसान भाई मक्का और गन्ने की फसल में जितनी भी सऊड़ी या चौड़ी पत्ती वाले घास होते हैं उनको मार गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे डिटेल में, टेक्निकल क्या है, कैसे काम करता है, डोज कितना है, कीमत कितनी है, पूरी जानकारी। बात करेंगे टेक्निकल से, इसमें जो टेक्निकल आता है मेसोट्राइन 2.27% और आट्राजिन 22.7% दो एसी फॉर्म में मिलता है। इसमें ऑलरेडी दो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन होने की वजह से इसके साथ दूसरा बाहर से कोई भी खरपतवार मिलाने की जरूरत नहीं, वन शॉट सॉल्यूशन, एक ही सभी घास मारेगा और लंबे समय तक हमारी फसल को घासों से दूर रखेगा। इसके छिड़काव के बाद जितनी भी सकड़ी या चौड़ी पत्ती वाली घास होगी अपनी फसल में वो 8 या 10 दिन में पूरी जड़ से मरेगी और आने वाला जो घास है कम से कम 30 या 40 दिन तक हमारी फसल में कोई भी घास नहीं आएगा। अगर बात करें डोज की तो इसका 1400 मिली प्रति एकड़ का डोज है, यानी कि 1400 मिली का पैक आपको 150 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोलाकर छिड़काव करना है। जब छिड़काव करने वाले हो तब अपनी फसल में सकड़ी या चौड़ी पत्ती वाले जितने भी घास होंगे वो 3-4 पत्तियों पर होनी चाहिए। बहुत अच्छा खरपतवार नाशक है, इसका फसल के लिए कुछ भी साइड इफेक्ट या पीलापन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। उलट छिड़काव के बाद 8 दिनों बाद हमारी फसल पूरी तरह से हरी भरी देखने को मिलती है। जब छिड़काव करने वाले हो तो फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कवरेज लेना चाहिए क्योंकि घास भी मरेगा और आगे जो आने वाला घास है वो भी नहीं आएगा। इसके इस्तेमाल के 2 दिन बाद पूरा घास पीला पड़ेगा और 8 या 10 दिनों बाद पूरा वो जड़ से मर जाता है। बात करें कीमत की तो इसका 1400 मिली का पैक आपको लगभग मार्केट में 1550 तक मिल जाएगा। जब इसका इस्तेमाल करने वाले हो तब मिट्टी में अच्छी नमी होनी चाहिए, जितनी अच्छी नमी रहेगी उतना अच्छा आपको लंबे समय तक इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके इस्तेमाल से हमारी फसल में जैसे कि जंगली चौलाई, भुंगराज, बथुआ, सावा, मोथा, गाजर घास, बड़ी दूधी, छोटी दूधी, चिड़िया घास, चिनियारी, गुलीनंडा, सावा, कृष्णेल, मकड़ा घास, जितने भी सकड़ी और चौड़ी पत्ती वाली घास होती है वो पूरी तरह से ये मारने का काम करता है। लेकिन घास अपनी जब छिड़काव करने वाली हो तब 4 या 5 पत्तियों पर होनी चाहिए। हम इसका इस्तेमाल मक्का बुआई के बाद 15 दिनों बाद कर सकते हैं या गन्ना के बुआई बाद भी 10 या 12 दिनों बाद कर सकते हैं। धन्यवाद। आप जय किसान चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जय किसान चैनल को। थैंक यू।